हिस्सा में सिर करके सोना चाहिए। पति पत्नी जब सोएं तो दोनों का सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिण दिशा की ओर पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज होते हैं और हम अपने पूर्वजों के ओर पांव करके सोएं तो यह अपराध है। पति पत्नी को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और पढ़ने वाले बच्चों को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? पूर्व। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किस दिशा में सिर करना चाहिए? पूर्व दिशा में, और सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और मुर्दे को किस तरफ सिर करना चाहिए? ना जी, दक्षिण में तो पति पत्नी को करना चाहिए। मुर्दे को चिता पर जब मुर्दा जलता है तो किस दिशा में सिर होता है? हाँ, उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, अब बची कौन सी दिशा? पश्चिम। तो जो पश्चिम की दिशा है उस दिशा में कोई सिर कर ले या ना करे उसका कोई बहुत लाभ और नुकसान नहीं है। जो अधिक लाभ की दिशाएं हैं, सिर पति पत्नी का दक्षिण, बच्चों का विद्यार्थियों का पूर्व, मुर्दे का